गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आसा तुम ही पारो इस आज। हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इन तीनों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नाउन क्या होता है। आप जानते हो नाउन ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जैसे कि हमें पता है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन में जब हम एग्जांपल लेंगे गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, जैसे ग्रैंडमा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पर्सन। जब हम प्लेस की बात करेंगे तो वो जगह होती है जहां हम रहते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, स्कूल है, रहते हैं, होम, खेलते हैं, प्ले ग्राउंड, तो एग्जाम्पल प्लेस की। एनिमल डॉग बी तो पानस अन्य जानवर से वो तुम सारी नाउन काउ, डॉग, हॉर्स, गोट एटसेट्रा। थिंग बुक, फ्लावर, शू, पेंसिल, नोटबुक एटसेट्रा। तो क्या तो रूप समझ नाउन क्या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। इसके टाइप्स है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम आपको बढ़ाएंगे बच्चों कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जेनरिक नेम आसा पर्सन, प्लेस या क्लास और ग्रुपस। इज कॉमन अच्छे से होना है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट ईदर बिगिंस अ सेंटेंस और अपीयर्स इन अ टाइटल। ये सेंटेंस की शुरुआत में या किसी टाइटल के तौर पर हम यूज करते हैं। कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को कहते जैसे बॉयज वो कॉमन नाउन आएंगे, गर्ल्स तुम जो कॉमन, सिटी, विलेजेस ये कॉमन नाउन है, स्ट्रीट, हाउस, मैन, तो ये कॉमन नाउन है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम छू सकते हैं, दैट वी कैन नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द फाइव सेंसेस से नहीं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है करेज, चाइल्डहुड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज अ वेरी ब्रेवरी, ब्रेवरी कवर्डाइस भाववाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। बचपन, लड़कपन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यूथ, जवानी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, ए क्लास, ए टीम, जहां पर झुंड होता है, दल होता है, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होगा, ए टीम ऑफ बॉयज होगा, आर्मी होती है, तो आवर टीम हैज वॉन द फाइनल। एग्जाम्पल हर्ड होता है शीप का, ए हर्ड ऑफ शीप इज क्रॉसिंग द रोड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चर्पिंग। ठीक है बच्चों, तो जहां पर ग्रुप होगा, कोई दल होगा, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक और काइंड है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हैव टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग बिगिंस विद कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर दे ऑकर विद इन ए सेंटेंस। वो कहीं पर भी आएंगे तो कैपिटल लेटर से हमें लिखना है, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष जगह का नाम होता है प्रॉपर नाउन। जैसे हम लेंगे एग्जांपल इंडिया, इंडिया हम कहीं भी पैराग्राफ में सेंटेंस में लिखेंगे तो आई कैपिटल आएगा। राम इज माय फ्रेंड, राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है तो वो आर कैपिटल आएगा। सीता इज माय सिस्टर, सीता का एस कैपिटल आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन, जैसे महात्मा गांधी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन इज बच्चो, जैसे लेट अस गो टू द मुरी, मुरी इज अ सिटी, इज अ प्रॉपर नाउन है, एम कैपिटल है यहाँ पर। तो दिस वॉज अबाउट प्रॉपर नाउन। नाउ वट इज प्रोनाउन, इज ब्याह पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा हिंदी पर सर्वनाम। प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट इज यूज एज सब्स्टिट्यूशन फॉर अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड विच इज यूज इन द नेम प्लेस ऑफ नाउन, सिंपल डेफिनेशन है। प्रोनाउन आर शॉर्ट वर्ड दैट कैन डू एवरीथिंग दैट नाउन्स कैन डू, बट ये हमारे लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल बनाता है। बार बार नाउन यूज करने के बदले हम उस जगह प्रोनाउन का यूज करके अपनी लैंग्वेज को सिंपल बना देते हैं। जैसे एल फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे अली केम टू हिज रूम एंड शी वेंट स्ट्रेट टू बेड।
दोबारा अली लिखने से बेटर है, हमने वहां पर शी का यूज किया, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन है. द टीचर वॉज स्टिंग इन हिज, द टीचर वॉज हिज यहाँ पर प्रोनाउन है. एंड ही वॉज प्रिपेयर हिज लेसन, तो कितनी बार प्रोनाउन का यूज हुआ इस सेंटेंस में. ऑल स्टूडेंट्स वर इन द ग्राउंड बिकॉज दे, जो दे वर्ड है ये प्रोनाउन स्टूडेंट्स के बदले यूज हुआ है. दोबारा स्टूडेंट्स के जगह पर हमने दे का यूज किया है, प्रयोग किया है, तो इससे हमारी लैंग्वेज सिंपल हो गई है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सिक्स टाइप्स है. इन सबसे पहले इनडेफिनिट प्रोनाउन है. प्रोनाउन्स रेफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जो अनस्पेसिफाइड किसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है. जगहों के बारे में, बींग्स जैसे समवन, एनीवन, नथिंग. पर्सनल प्रोनाउन्स होता है सर्टन पर्सन, थिंग और ग्रुप की जगह हम प्रोनाउन का यूज जो करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन्स कहलाते हैं. दीज आर ऑफन यूज विद प्रॉपर नाउन्स की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है. जैसे जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स, दे प्ले बास्केटबॉल टुगेदर, दे इज द पर्सनल प्रोनाउन. वी विल बी लेट इफ यू डोंट हरी अप. यू और वी बोथ आर पर्सनल प्रोनाउन्स. वी नेक्स्ट काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन. प्रोनाउन विच शोज पोजिशन और ऑनरशिप, जो हमें किसी भी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी चीज के साथ रिश्ता या पोजिशन दिखाता है वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है. विच इंक्लूड्स माइन, मेरा, इट्स, उसका, हिज, उसका, तो तुम, तुम्हारा, उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क जब हम यूज करते हैं. इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, हु इज देयर, हु इज एब्सेंट, व्हाट आर यू डूइंग, हुज पेन इज दिस, दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स. थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन क्वालिटीज ऑफ स्टेट और बींग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. जैसे सिल्ली, येलो, कलर है, मिलियंस, इलेवन नंबर है, तो जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव विशेषण कहलाते हैं. द एग्जाम्पल है द ओल्ड क्लॉक हंग अपॉन द वॉल. द ओल्ड पुरानी घड़ी दीवार पे टंगी हुई है, ओल्ड इज द एडजेक्टिव. अ वाइट हॉर्स गैलप्ड अक्रॉस द लश ग्रीन ग्रास. जैसे यहाँ पर वाइट का यूज है, यहाँ पर वाइट का यूज हुआ है लश ग्रीन ग्रास. लश ग्रीन ग्रास की विशेषता है, ग्रास इज अ नाउन और लश और ग्रीन इसके एडजेक्टिव वर्ड्स यूज हुए. हैव यू मेट आवर थ्री इंटेलिजेंट बॉयज, द नंबर थ्री इज यहाँ इज एडजेक्टिव. नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द एडजेक्टिव दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द नेचर और थिंग्स वो हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे कलर के बारे में, ही इज अ टॉल बॉय, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. 2 kg पोटैटो, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया. इज इंटेलिजेंट बॉय, इट्स अगेन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी व्हेन वी गिव द नंबर, एस्टिमेट हम देते हैं, इंडिकेट द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस. इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट नंबर, इट टेल्स ओनली द अमाउंट के बारे में. जैसे ही हैज मैनी कलर पेंसिल्स, मैनी इज क्वांटिटी. आई हैव एनफ, he has completed most of his homework is the example of the adjective of quality. Number, जहां पर पूरा हमें ब्यौरा पता हो कितनी चीजें हैं. Adjective states the number of persons, things is called adjective of number. और numeral adjective, a week has 7 days, a year has 12 months, 5 of the students are absent. These numbers give the adjective of number. थैंक यू. दिस वॉज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो ये था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा आपने, इसके टाइप्स. अपनी ग्रामर बुक से इस तरह पढ़ो, जहाँ डाउट है उसके बारे में पूछो. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. थैंक यू वंस अगेन.